तो गाइस कुछ महीने पहले मैंने ये वाली वीडियो अपलोड करी थी एंड इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप लोग माइनक्राफ्ट जावा एडिशन कैसे खेल सकते हो अपने मोबाइल में। एंड वीडियो के कमेंट सेक्शन में काफी लोगों ने पूछा कि पूजा लॉन्चर पर मल्टीप्लेयर कैसे खेल सकते हैं, तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग पूजा लॉन्चर पर मल्टीप्लेयर कैसे खेल सकते हो। लेकिन उससे पहले प्लीज यार आप लोग वीडियो को एक लाइक कर देना। तो पूजा लॉन्चर पर मल्टीप्लेयर खेलने के लिए सबसे पहले आपको एड अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। एंड अभी के लिए मैं लोकल अकाउंट बना रहा हूँ, आप लोग माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट भी बना सकते हो। तो लोकल अकाउंट बनाना काफी आसान है। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम डालना होगा, जैसे मैं डालता हूँ गेमर YB। एंड लिखने के बाद लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना। एंड हाँ, यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे दे सकते हो, आपको अपने यूजर नेम में स्पेस बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। एंड उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना एंड क्रिएट योर प्रोफाइल के ऑप्शन पे जाना एंड क्रिएट वेनिला प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना। एंड उसके बाद यहाँ पे आप लोग कोई सा भी नेम डाल सकते हो, तो मैं अपने चैनल का नेम डाल देता हूँ गेमर YB। एंड नीचे तरफ आपको वर्जन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ से आप लोग अपने गेम का वर्जन सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं लेटेस्ट वर्जन सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड फिर आपको रेंडरर के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको होली रेंडरर को सेलेक्ट कर लेना है। एंड फिर नीचे तरफ आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा, तो सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। एंड फिर आपको प्ले के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड फिर थोड़ी देर वेट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपका वर्जन डाउनलोड होने वाला है। डाउनलोड हो जाने के बाद फिर आप लोग गेम में आ जाओगे एंड मल्टीप्लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना। एंड नीचे तरफ आपको ऐड सर्वर का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर क्लिक करना। तो सबसे पहले कुछ भी लिखने के लिए कीबोर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना एंड फिर यहाँ पे आपको सर्वर का नेम डालना है, जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ Astro SMP। एंड उसके बाद आपको सर्वर एड्रेस डाल देना है एंड डन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड फिर आपको सर्वर के ऊपर क्लिक करना है एंड ज्वाइन सर्वर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे मैंने फाइनली सर्वर को ज्वाइन कर लिया है। लेकिन अगर आप लोग पहली बार सर्वर को ज्वाइन करते हो, तो उसके लिए आपको रजिस्टर करना होगा। तो किसी भी सर्वर में रजिस्टर करने के लिए आपको चैट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड फिर आपको कीबोर्ड को ओपन करना है एंड फिर आपको लिखना है /register एंड फिर आपको पासवर्ड लिखना है एंड फिर आपको स्पेस छोड़ना है एंड उसी पासवर्ड को आपको दोबारा से लिखना है। एंड पासवर्ड लिखने के बाद फिर आपको एंटर करना है एंड फिर आप लोग सक्सेसफुली सर्वर के अंदर रजिस्टर हो जाओगे। एंड काफी लोग सोचेंगे अपने दोस्त के साथ कैसे खेल सकते हैं, तो उसके लिए आप लोग एडेनोस पे सर्वर बना सकते हो। एंड अगर आपको एडेनोस पे सर्वर बनाना नहीं आता है, तो आप लोग लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। एंड इस वीडियो पे मैंने आपको बताया है कि MCP+ जावा एडिशन सर्वर आप लोग कैसे बना सकते हो। एंड अगर आपको याली वीडियो पसंद आई है, तो अपने दोस्तों को भी याली वीडियो शेयर जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर देना। तो चलो भाई, मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।